हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर, जिसकी हम मिसलेनियस एग्जांपल्स कर रहे हैं और चैप्टर नेम है सेट्स। एग्जांपल नंबर 30 पे आ पहुँचे हैं अब हम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है ये। एग्जांपल ऐसी है जो हमें कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी सेट्स की नॉलेज को लेकर। इस वीडियो में ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि सेट्स के बारे में या तो नहीं होंगी या आपको शायद उनमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 30। हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दो सेट्स ए और बी हैं, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है, तो उनका यूनियन विल ऑल्सो बी अ सेट और उनका इंटरसेक्शन विल ऑल्सो बी अ सेट। तो दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स में आएंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी एक सेट को डिनोट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट को डिनोट करेगा। अब ये देखिए, रिक्वायर टू प्रूव क्या है हमारे पास। रिक्वायर टू प्रूव है कि सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर है, ये हमें बता दीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ रफ काम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कह क्या रहे हैं। हमें याद होगा कि जब हम इक्वल सेट्स की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई के सारे एलिमेंट्स के बराबर होंगे और उनके नंबर्स भी सेम होंगे। मान लीजिए एक्स में अगर चार एलिमेंट्स हैं तो वाई में भी चार एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक्स में 1, 2, 3, 4 है तो वाई में भी 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, यानी नंबर एंड एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब अगर गिवन में हमारे पास ये चीज़ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और मैं बता चुका हूँ आपको कि ये दोनों ही हम सेट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन अगर बराबर हैं तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं और एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे गिवन है। यहाँ दोबारा से मैं रफ काम में चलता हूँ और मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। जैसे ही दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक्स और वाई सेट अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, राइट। तो आई होप ये बात आपको याद होगी कि एक सेट दूसरे का सबसेट होता है और दूसरा सेट पहले का सबसेट होता है अगर वो दोनों इक्वल हैं तो। अब इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर मुझे ए यूनियन बी लेके आना है या ए इंटरसेक्शन बी लेके आना है और ये दोनों इक्वल दिए गए हैं और मुझे ए इक्वल टू बी पे पहुंचना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये दो चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। वाइल एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन टू यू, मैं वेन डायग्राम्स की हेल्प लूँगा ताकि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। तो देखिए अब वेन डायग्राम्स की हेल्प के लिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है जी। फिर मैं एक और सर्कल बनाता हूँ। अब आप ये देखिए कि मेरे पास दो सेट्स आ गए हैं। लेट्स से कि ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ये जो पार्ट है ये एज यू नो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, और ये दोनों पूरा क्या है, ये ए यूनियन बी है। अगर मैं इन्हें इस तरह से थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये सारा कुछ ए यूनियन बी है, ये जितना भी ब्लू में हाइलाइटेड है दिस ऑल गोज़ टू ए यूनियन बी। अब इंटरेस्टिंगली हम लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर x a को बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाइज टू x विल ऑल्सो बिलोंग टू a यूनियन b। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर x a में है कहीं भी a में है, मान लीजिए x यहाँ है और a यूनियन b टोटल में है, तो x a यूनियन
बी को भी बिलोंग करेगा ही करे। अब देखिए एक बड़ा ही मज़ेदार स्टेप होने वाला है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये अगर मैं वन मान लूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम वन, ठीक है। देयरफोर एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये देखिए ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है तो यूनियन के इक्वल इंटरसेक्शन है, तो उसके बाद हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट, ये जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर सेट ए है और ये एक सेट बी है, अगर वो कहता है कि ए यूनियन बी है, देखिए ए और बी इन दोनों का यूनियन इन दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि जो दोनों सेट और उनका जो कॉमन है वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों बीच में नहीं आ गए और जो बी है वो बिल्कुल ए के बराबर बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए जैसे ए और बी अब दोनों इक्वल हो गए, तो इनका यूनियन भी सेम है और इनका इंटरसेक्शन भी सेम है। यहाँ से हम एक और स्टेप लिख सकते हैं जो कि बड़ा ही क्लियर हो जाएगा, एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू सेट बी। अब देखिए अगर मैं इसे टू नाम दूँ इक्वेशन और इसे थ्री नाम दूँ, तो फ्रॉम टू एंड थ्री आई कैन से दैट अगर x जो है वो a को भी बिलोंग करता है, x b को भी बिलोंग करता है, x a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करता है, x a यूनियन b को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब x जो है सारी चीज़ों को बिलोंग करेगा। अगर वो सारी चीज़ों को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है a इज़ अ सबसेट ऑफ b। अब देखिए जैसे a b का सबसेट आ गया, अब हमें b को a का सबसेट करना है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं नाउ, ठीक है। अब b को a का सबसेट करना है तो लेट y बिलोंग्स टू सेट b। अगर y b को बिलोंग करता है तो y a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ये तो मुझे ये वाला पार्ट तो मुझे गिवन ही है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये ना लिख के मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज टू y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको अलग चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ऊपर भी इस चेंज को लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये चीज़ है यूनियन बी तो फिर इंटरसेक्शन बी भी होगा, बड़ा क्लियर है हमारे पास। अब आप ये देखिए मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि वाई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब यहाँ से implies to आएगा, I should write b is a subset of a। तो यहाँ से ये देखिए a is a subset of b हमारे टॉप स्क्रीन पे और b is a subset of a यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन देते हैं, यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन देते हैं, हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फोर एंड फाइव, इसका मतलब क्या है a is equal to b। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली जो हमारा आंसर है, दिस ऑल इम्प्लाइज दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। थैंक यू सो मच, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से ज़रूर उसका क्वेश्चन पूछें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड, बाय बाय।